दोस्तों आज मैं आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों वैसे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पहले क्या होता था, जब आप लोग अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जाते थे तो आप लोगों से कोई भी इंश्योरेंस के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता था दोस्तों। लेकिन मैं तकरीबन 2-3 दिन पहले अपने फ्रेंड के साथ में गया था यूनियन बैंक में अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, नया जो कि SBI अकाउंट था, SBGEN जिसको हम बोलते हैं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गया तो वहां पर दोस्तों उन्होंने बताया कि आपका 130 रुपये या फिर 120 रुपये, ऐसे ही उन्होंने बोला था कि आपका इतना रुपये लगेगा तभी आप लोगों का अकाउंट्स ओपन होगा दोस्तों, इसके अलावा आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों का एक इंश्योरेंस किया जाएगा। तो मैंने उनको बताया कि मुझे इंश्योरेंस नहीं करवानी है, लेकिन दोस्तों उन्होंने फिर भी इंश्योरेंस का पैसा ले लिया। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी एक सरकारी बैंक है, आप लोग जानते ही होंगे। तो सरकारी बैंकों में दोस्तों ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस करें। दोस्तों प्राइवेट बैंकों की बात करें तो प्राइवेट बैंक में ज़्यादातर लोग फ़ोन करके या फिर अपने इंश्योरेंस ऑफिसर को भेज करके इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन सरकारी बैंक में ज़्यादातर करके जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही लापरवाह होते हैं, तो लापरवाही के वजह से वो लोग इंश्योरेंस नहीं कर पाते हैं। तो जब नए कस्टमर आते हैं तो टारगेट पूरा करने के लिए उनका इंश्योरेंस कर देते हैं। दोस्तों अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जा रहे हैं और आपका इंश्योरेंस काटा जा रहा है, तो आप जाकर के ब्रांच मैनेजर से मिलें और उनको कंप्लेंट करें कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे इंश्योरेंस नहीं करवानी है, तो आपका इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा। दोस्तों बाद में मेरा पैसा कटने के बाद में उन्होंने इंश्योरेंस किया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में गया, वहाँ पर पूछा कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मैं बैंक अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बताया ठीक है, आपको अगर इंश्योरेंस नहीं करवानी है तो आप मत करवाइए, आपका पैसा रिटर्न दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो इंश्योरेंस होता है, अगर हम एक तरह से इसको समझें तो ये बहुत ही बेहतरीन इंश्योरेंस होता है दोस्तों। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताऊंगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये इंश्योरेंस जो कि 120 रुपये 125 रुपये काटा जाता है आप लोगों से, ये किस चीज़ का होता है दोस्तों। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।